नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भूतों पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की है। दिल्ली का रहने वाला 22 साल का गौरव तिवारी, जिसका सिलेक्शन यूएसए में कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए हो गया था। 2006 में वो इसी सिलसिले में अमेरिका जाता है। उसने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान एक मकान किराए पर लिया, जो उसे काफी सस्ते में मिला था। वहां आसपास के मकान बहुत ही महंगे थे, पर ये मकान बहुत सस्ता। इस मकान में कुछ ही दिनों में उसके साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जब वो सोता, तब उसे अपने कमरे में किसी के मौजूद होने का एहसास होता। अपने आप से किचन में बर्तन गिर जाते थे। कभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती। गौरव या उसके घर वाले कभी भूत प्रेत पे नहीं मानते थे, पर अब गौरव को अजीब फीलिंग आने लगी थी। उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि इसके पहले जो वहां रहने आए थे, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ अजीब चीजों की बात कही थी। गौरव का कोई भी पड़ोसी कभी भी उसके घर के अंदर नहीं होता था। गौरव से बात करनी होती थी तो उसे कॉल करके बाहर बुलाते थे। शुरू में गौरव ने ये सब इत्तेफाक मानकर इग्नोर किया, पर लगातार ये सब चीजें होती रही तो उसको लगने लगा कि इस दुनिया में कुछ अदृश्य ताकतें होती हैं। गौरव ने घर में एक बार एक बच्ची के भूत को देखने की भी बात कही थी। इन सब चीजों के बारे में वो इंटरनेट से पढ़ना शुरू करता है। उसने पैरानॉर्मल साइंस के बारे में कई किताबें पढ़ी। गौरव को इन सब चीजों से डर नहीं लगता था, उल्टा वो अपने आसपास के चीजों को समझने की कोशिश करने लगा। अब उसने इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के राज समझने के लिए अपनी पायलट की ट्रेनिंग को छोड़ दिया। अमेरिका में ही पैरानॉर्मल सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दी। 2009 में गौरव तिवारी वापस इंडिया आता है। उसने अपनी एक टीम बनाई और अलग अलग हॉन्टेड प्लेस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का उपयोग किया जाता था, जैसे कि EMF, इंफ्रारेड डिटेक्टर। ये मशीन्स उस जगह में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करती हैं और उस जगह में कोई अननेचुरल फोर्सेस है या नहीं उसके बारे में बताती है। ये इक्विपमेंट तो साइंटिफिक है, पर इनके रिजल्ट को अलग अलग फील्ड के लोग अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट या एनालाइज करते हैं। गौरव और उसकी टीम ने पूरी दुनिया में हजारों लोकेशंस जिनको हॉन्टेड कहा जाता है उनका एनालिसिस किया था। बहुत जगह को उन्होंने हॉन्टेड माना और बहुत को उन्होंने झूठी कहानी भी डिक्लेयर किया। भारत के सबसे हॉन्टेड माने जाने वाले भानगढ़ फोर्ट पे भी उनकी टीम गई थी। उनके एनालिसिस के अनुसार भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड नहीं था। गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका वो खुद प्रेसिडेंट था। इनका मकसद जिंदगी के कई बड़े राज को समझना, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर करती है तो मौत के बाद कहां जाती है, क्या आत्मा किसी जगह से जुड़कर कई सालों तक वही कैद हो सकती है। इस दौरान गौरव ने बहुत टीवी शोज के साथ हॉन्टेड सीरीज करी। ऑस्ट्रेलिया के एक शो से भी गौरव तिवारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ा हुआ था। गौरव का मकसद जनता को यह समझाना था कि भूत प्रेत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि कोई इनको परेशान ना करे। गौरव तिवारी ने कई कब्रिस्तान, हवेलियों और अन्य डरावने इलाकों में रात बिताई है। बहुत जगह से गौरव तिवारी की टीम ने मुर्दों या आत्माओं की आवाज रिकॉर्ड भी करी। साइंस के हिसाब से बताऊं तो इंसानी कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ऑडियो फ्रिक्वेंसी सुन सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चमगादड़, यानी कि बैट, जो
20,000 हर्ट्ज से ऊंची फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालते हैं जो ह्यूमन नहीं सुन सकते। चमगादड़ 200,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल सकते हैं। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में भी हो सकता है ऐसी ही फ्रीक्वेंसी पर बात होती हो जिसे आम इंसान नहीं सुन सकता हो। गौरव तिवारी ऐसी ही फ्रीक्वेंसी को सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करता था। कई जगह पर उनको अपनी मशीन में जल्दी से भाग जाने की चेतावनी भी सुनाई देती थी। गौरव तिवारी की टीम कभी भी भूतों की मर्जी ना होने पर उस जगह पर अपना काम नहीं करते थे और तुरंत वहां से निकल जाते। गौरव तिवारी ये जानने के लिए कि मौत के तुरंत बाद क्या आत्मा अपनी लाश के आसपास रहती है और ऐसी अगर बहुत सारी लाश एक जगह पर मौजूद हो तो क्या वो आत्माएं आपस में बात करती हैं? इसके लिए गौरव तिवारी हॉस्पिटल के मुर्दा घरों में खुद मुर्दा की जगह लेट जाता था। गौरव के दाएं बाएं ऊपर और नीचे हर तरफ मुर्दे होते थे। उसके पास एक टॉर्च, स्पेशल साउंड रिकॉर्डर और छोटा थर्मल कैमरा होता था। कुछ हॉस्पिटल में मुर्दा घर में अजीब अजीब साउंड के रिकॉर्ड होने की बात सामने आई थी। ऐसे ही एक बार गौरव तिवारी साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक ओल्ड गोल्डस्टोन जेल में अपने रिसर्च करने गया था। ये जेल ऑस्ट्रेलिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। वहां गौरव रात में अकेले गया। पूरी जेल सुनसान थी। गौरव ने अपने कैमरा में वहां की गैलरी, सेल और वार्डन के कमरे को रिकॉर्ड किया। फिर जब वापस आकर रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा तो उसमें बहुत जगह एक अजीब सी डरावनी आकृति दिखाई दी थी। एक क्लिप में तो वो आकृति उस कैमरा में झांकती हुई नजर आ रही थी। गौरव की मौत भी खुद एक पहेली की तरह हुई। 2015 में गौरव की शादी हुई थी। 2016 में गौरव अपनी बीवी, माँ और बाप के साथ दिल्ली के अपने घर में रहता था। एक रात को गौरव और उसकी टीम जहांगीरपुरी दिल्ली में एक हॉन्टेड प्लेस की जांच करने निकलती है। 6 जुलाई की रात ये टीम वहीं रुकी। 7 जुलाई को गौरव वापस अपने घर आता है। सुबह गौरव नाश्ता करता है, लैपटॉप से कुछ मेल भेजता है और फिर नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। कुछ मिनटों बाद ही बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आई। गौरव की बीवी बाथरूम की तरफ भागती है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी अंदर से गौरव का कोई रिस्पांस नहीं आता। गौरव के पेरेंट्स दरवाजा तोड़ देते। अंदर गौरव जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। गौरव के गले में काले रंग का निशान बना हुआ था। पुलिस बाथरूम और बाकी सब इन्वेस्टिगेट करके गौरव की मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी दम घुटना मौत की वजह बनके सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अपनी आत्महत्या की थ्योरी को फाइनल रिपोर्ट बनाकर भेज दिया। गौरव ने बाथरूम जाने से पहले एक मेल लिखा था जिसमें उसने अगली कौन सी हॉन्टेड प्लेस को एनालाइज करना है उसकी बात लिखी थी। ऐसे मेल की उम्मीद किसी सुसाइड करने वाले व्यक्ति से नहीं करी जा सकती। गौरव की बीवी बताती है कि गौरव पिछले एक हफ्ते से बोलता था कि कोई निगेटिव शक्ति उसके पीछे पड़ी है और उसे परेशान करती है। दिन भर वो शक्ति उसके साथ रहती है। ये बात गौरव ने अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी बताई थी। पर पुलिस और कानून भूत प्रेत जिन जिन्नात की बात पर यकीन नहीं करती है। आखिर में पुलिस इसे सुसाइड ही मानती है। एक बात और सामने आई थी कि पैरानॉर्मल सोसाइटी में काम करने वाली एक लड़की के साथ गौरव की नजदीकी थी, वो भी सुसाइड का कारण हो सकती है। पर गौरव की शादी को एक साल भी नहीं हुआ था, इसलिए इस थ्योरी पे भी थोड़ा डाउट है। तो इस प्रकार इस केस में बहुत सारे सवाल उठे जिनके जवाब ना तो पुलिस के पास थे और ना ही पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास। ये सोसाइटी
आज भी काम करती है। गौरव तिवारी के काम को अगर देखना चाहते हैं तो आप इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां गौरव की कई वीडियोस अवेलेबल हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।